अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आजकल सर्दी का मौसम है और अगर एक दफ़ा बैठ जाएं तो उठने को दिल नहीं करता। हो सकता है कि आपको मेरी ये वीडियो देखकर अपने घर का काम करने की थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। मैंने ये नया मॉप एंड बकेट लिया है तो मैं आपको इसका ज़रूर रिव्यू दूँगी कि ये कैसा है। और ये ब्लाइंड क्लीनर भी आज मैं पहली दफ़ा ही यूज़ करने लगी हूँ। ये कोई इतना कन्वीनियंट नहीं लगा मुझे क्योंकि ब्लाइंड ज़रा थिन है तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी मुझे ये साफ़ करने में। तो मेरा ख़्याल है कि इसको मैं अगर तोड़ लूँ और इसका सिर्फ एक पार्ट यूज़ करूँ तो शायद वो कन्वीनियंट हो। तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा ही ट्राई करके देखूँगी। डस्ट तो वैसे काफ़ी उतरी है लेकिन यही है कि ज़रा कन्वीनियंट नहीं था। अब मैं सारे रूम की डस्टिंग करूंगी, तो चलें आप देखें और साथ म्यूज़िक एंजॉय करें। यहाँ विंडो साफ़ करने के लिए मैं मैथड का ऑल पर्पस क्लीनर यूज़ कर रही थी। और वाइप करने के लिए मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। ये कोई स्ट्रीक्स वगैरह नहीं छोड़ता और बहुत ही क्लियर विंडोज़ साफ़ होती हैं। और ये है वो कैंडल होल्डर जो मैंने क्रिसमस मार्केट से लिया था।
लें कि मेरा यहाँ ब्रेक टाइम हो गया था और मैंने अपनी ब्रेक में पॉपकॉर्न्स इंजॉय किए थे। ब्रेक ख़त्म होने के बाद मैंने दोबारा टेस्टिंग शुरू कर दी थी। अब मैं यहाँ होवर करने लगी थी। नहीं जी, अब मॉक ट्राई करने का वक्त हुआ जाते हैं। मेरी ट्राईपॉड टूट गई थी तो मुझे हाथ में फ़ोन पकड़कर वीडियो बनाना पड़ी, इसलिए मुझे एक हाथ से मॉप करते हुए ज़रा मुश्किल हो रही थी, लेकिन मॉप काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे ड्रायर के फ़िल्टर की सफाई काफ़ी दिनों से ड्यू थी तो सोचा ये भी कर ही लूँ, तो यहाँ मैं फ़िल्टर ही साफ़ कर रही थी। इस वक्त शाम का वक्त था और मैं काफ़ी थक भी गई थी और चाय पीने का भी बहुत दिल था, तो सोचा कि एक और ब्रेक कर लूँ, और यहाँ मैं अपनी ब्रेक को एंजॉय करने का माहौल बना रही थी। चाय के साथ मैंने ये एलसी की पिन्नी ली थी जो कि मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड ने मुझे बना कर दी थी। ब्रेक ख़त्म होने के बाद मैंने काम दोबारा से शुरू किया और यहाँ मैं अपना शावर रूम साफ़ कर रही हूँ। शावर साफ़ करने के लिए भी मैंने मेथड क्लीनर ही यूज़ किया था, थोड़ी देर स्प्रे करके छोड़ दिया था और फिर बाद में मॉप से स्क्रब कर लिया था। शावर के बाद मैंने अपने हॉल की अच्छी तरह सफाई कर ली थी। ये वीडियो मैंने 31 जनवरी को बनाई थी, तो अब इस वक्त 12:10 थे। मेरी बेटियों ने ये छोटा सा टेबल सेट किया था न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। आप सबको भी मेरी तरफ से नया साल बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे नया साल हम सब के लिए खैर व आफ़ियत लेकर आए, आमीन। ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।